जेजेपी के सीनियर विधायक रामकुमार गौतम एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और रामकुमार गौतम का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो हरियाणा विधानसभा वेटिंग गैलरी का बताया जा रहा है और इस वीडियो में जेजेपी विधायक देवेंद्र भबली भी नजर आ रहे हैं। क्या है इस वीडियो का सच, आइए आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। जेजेपी की टिकट पर नारनौन से विधानसभा पहुंचे रामकुमार गौतम फिर सुर्खियों में है। उनके सुर्खियों में होने की सबसे बड़ी वजह उनका सोशल मीडिया पर वायरल होता वीडियो है। वायरल वीडियो में एक बार फिर से रामकुमार गौतम की दुष्यंत चौटाला को लेकर नाराजगी झलकी है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार वो मीडिया के सामने नहीं बल्कि अपने साथी विधायकों के सामने विधानसभा की वेटिंग गैलरी में बैठकर अपने दिल की बात बता रहे थे। जो ये आले दिवाले की सीट आई है, मेरा कंट्रीब्यूशन सब में है, कोई मानो चाहे ना मानो। ये बात आपकी साइंटिफिक अच्छा, है के जुलाना इसके बाद उछाना इसके बाद रे 11 मेक में दिखा रहे शर्म नहीं आई बड़ी सी भी दुख में के कसर की बात है। फिर ये दिखार जंदा कोई बात नहीं। जिस दिन मुझे ये खबर दी किसी ने कि अजय चौटाला और दुष्यंत एम्बियंस मॉल में इतने बजे मिले इतनी तारीख और बड़ा कारगर शाना समझदार आदमी जाग बरादरी और फिर मेरे से जो उनकी बातचीत हुई उसके बाद मेरे मैं सोचा मैं तो आदमी ही नहीं तो सोता है कुछ और जो इनमें रहेगा फिर जो जुकर कुत्ता कुरकुर कुरकुर कर रहा करे न्यू बेशक करे जाओ कुछ नहीं बोले है कुछ नहीं मजाक नहीं कर रहा भाई। अभी उठा इतनी बड़ी कौम का आदमी है आपने पार्टी देख ली और सारी जिंदगी इसने खो दी दानक समाज का भी असर जाता है बढ़िया मैं कमाते हैं देखोगे ना सारी अच्छा लगता है उसका भी इज्जत बढ़ती है इज्जत बढ़ती है फिर इसने तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कह दिया कि खुद भी पार्टी बनाई थी। ये तो वो अमिताभ बच्चन गाना गाया फिर खावे गोरी का यार बलम तरसे इस वायरल वीडियो की पड़ताल करने के लिए हमने खुद रामकुमार गौतम से संपर्क किया। खबरें अभी तक पर रामकुमार गौतम ने खुद ये माना कि ये विधानसभा परिसर का ही वीडियो है। उन्होंने अपनी बातों पर खेद जताया और साथ ही कहा कि जिसने भी ये वीडियो वायरल किया है गलत किया। रामकुमार गौतम जी, आपने कहा ये आज का ही वीडियो है जी, आज का ही वीडियो है, आप पुष्टि करते हैं? मैं कह रहा हूँ वीडियो तो हम बैठे थे बात कर रहे थे जी, वैसे ही एमएलए जो बैठते हैं ना उधर गैलरी में, ये वेटिंग गैलरी में वो सामने ही बिल्कुल जी 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 उसमें बैठे थे, आपस में बातचीत चल रही थी। आपको बिल्कुल नहीं लगा कि कोई आपका वीडियो बना रहा है? ना बिल्कुल ही नहीं लगा। इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? मैं तो अब सचेत हो जाऊंगा आइंदा के लिए, मैं तो कभी किसी के सामने वैसे भी बात नहीं करूंगी। बिल्कुल खतरा है प्राइवेसी को, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन है। आपके आसपास कौन कौन मौजूद था आप बता सकते हैं? इस रूम में कौन मौजूद था? एमएलए थे उस वक्त, कम से कम 20 एमएलए होंगे, 20-25 एमएलए होंगे। अगर आपको मालूम हो जाता है कि किसने ये वीडियो बनाया तो आप कार्रवाई करवाएंगे उस पर? अगर कोई कार्रवाई हो सकती है तो जरूर करवा दूंगा। आपत्तिजनक शब्दों का आपने इस्तेमाल किया दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जो कि उप मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ, मैं तो इतना ही कहूंगा। इस वायरल वीडियो में एक बात और निकल कर सामने आई, वो ये थी कि ना सिर्फ जेजेपी के विधायक, ना सिर्फ कांग्रेस के विधायक बल्कि निर्दलीय विधायकों समेत बीजेपी के विधायक भी उसी दौरान मौजूद थे, जिस दौरान रामकुमार गौतम दुष्यंत चौटाला पर तंज कसते हुए मजाकिया लहजे में बात कर रहे थे। ये दावा हमारा नहीं है बल्कि वहां मौजूद पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन का है, जो खबरें अभी तक पर उन्होंने खुद किया है। हम आपसे चाहते हैं कि रणधीर गोलन भी क्या वहां पर मौजूद थे वेटिंग गैलरी में? नहीं, मैं था तो वही, मैं केवल 25-30 विधायक थे यार,
मैं गौतम जी के साथ ही बैठा था, देवेंद्र बबली भी था सामने, महिपाल डांडा, मूलचंद शर्मा मंत्री, जेपी दलाल, हुड्डा साहब भी आए थे, धर्मवीर जी भी थे जी, सारे सभी पार्टियों के विधायक थे, मंत्री भी यहाँ पर बैठे थे। मंत्री कौन कौन था यहाँ पर? मंत्री जेपी दलाल भी था जी, मूलचंद जी थे जी, और कौन सा मंत्री था भाई, दो तीन तो थे, धर्मवीर एमपी था। अच्छा, सांसद धर्मवीर भी थे यहाँ पर? हाँ, धर्मवीर जी सांसद भी थे, हुड्डा साहब भी थे, भूपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर थे, भूपेंद्र हुड्डा भी था, कुलदीप, उनके सामने इस तरह की बातें हो रही थी, सभी ठाके लगा रहे थे आप? ठाटे तो सारे ला रहे थे यार। वीडियो में रामकुमार गौतम के नजदीक ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी बैठे दिखाई दिए। खबरें अभी तक ने उनसे भी इस पूरे वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश की। उन्होंने खबरें अभी तक पर माना कि ये वीडियो 22 जनवरी का ही है और वो उस दौरान रामकुमार गौतम की बातें सुन रहे थे। उन्होंने वीडियो वायरल करने वाले शख्स की मंशा पर भी सवाल उठा दिए। बात है, हंस रहे थे आपस में विधायक एक दूसरे से, हंस रहे थे, जिसने वायरल करा गलत करा, हंसने का मजाक था कोई, ये थोड़ी इस चीज का हंसने की बात थी, हंस रहे थे। आप वीडियो में दिखाई दे रहे हैं जी, और जेजेपी के विधायक भी यहाँ पर थे? नहीं, जेजेपी के भी थे, भूपेंद्र हुड्डा भी थे, सभी थे, मैं अपने अब जेपी दलाल भी थे, सभी थे वहाँ। रामकुमार गौतम को आपने देखा, इनके साथ विधायक भी नजर आ रहे हैं। हालांकि विधायक देवेंद्र बबली कोई आपत्तिजनक भाषा या बयान देते तो इस वीडियो में नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनके ठाके जरूर नजर आए। ये भी जग जाहिर है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब रामकुमार गौतम दुष्यंत के खिलाफ बोल रहे हो। इससे पहले भी मीडिया में आकर कई बार वो इस तरह के बयान दे चुके हैं। इन बयानों के बाद पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी ये कह चुके थे कि वो हमारे पार्टी के बड़े नेता है, हमारे बुजुर्ग है, वो कुछ भी कह सकते हैं। हमारे बुजुर्ग है, एमएलए की टीम के अंदर सबसे सीनियर है, पर मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूँ कि हमारे बड़े हैं, उनकी कई बातों का ना तो हम बुरा मानते, और अगर उनका कोई ग्रीवेंस है तो जरूर, ये तो पार्टी संगठन के विस्तार के अंदर उनका सहयोग भी रहा है, बैठकर चर्चा करी जाएगी और उसको ग्रीवेंस को रिड्रेस भी किया जाएगा। ये वीडियो विधानसभा की वेटिंग गैलरी का ही वीडियो है, ये रामकुमार गौतम साफ कर चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस वायरल वीडियो पर राजनीतिक विशेषज्ञ अपने अपने मायने तलाशने में जुटे हैं। ये वीडियो किसने बनाया है और कौन इसे वायरल कर रहा था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वीडियो के दावे का सच वहां मौजूद विधायकों का है, जो दावा खबरें अभी तक पर उन्होंने खुद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।